only one good. Negativity in my life, just good vibes, that's what I like. So I don't need you waiting on my... छोटी आजा, डैडी क्या खुजाने पे लगा रहे हैं? ये है टेडी जेली गोल्डन वाली, वो ब्लैक एंड वाइट मेरी चीनो फीमेल, और ये है मेरी छोटी छोटी, कम बेटा, गुड गर्ल। ये मेरी सबसे इंटेलिजेंट है, सबसे बढ़िया, मेरी जो सबसे बढ़िया लासा है वो ये, बहुत समझदार है, मतलब कुछ कह नहीं सकता। हर फीमेल की, हर डॉग की एक अलग ही खासियत है, वो आपको कभी बताऊंगा मैं आपको। हर डॉग की अपनी एक कुछ अलग खासियत है, सारे डॉग्स का भी एक सेम से नहीं होता है, सबका बिहेवियर एक जैसा नहीं होता है। ये देख सकते हैं मेरी चार्ली। चार्ली बेटा कम आ जा, चढ़ मेरे पास, कम ऑन, कम बेटा कम, वेरी गुड गुड, स्टे नाउ, स्टॉप, चार्ली कम बेटा, चार्ली कम, सिट डाउन, सिट 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 सिट, चार्ली सिट डाउन, वेरी गुड गुड गर्ल। ये देखो एक और टफी है, वो बाहर बैठी हुई है, वो बाहर भागने की फिराक में रहती है, बस गेट खुल जाए और बाहर भागूं मैं, उसका यही है, दिखाऊंगा आपको, वो बाहर बैठी हुई है गेट के पास ही, उसको तो बस गेट खुलने का इंतज़ार है, वो फुर्र एकदम बाहर गेट के। टेडी जेली ये ट्राई वाली छोटी, ब्लैक वन मेरी चार्ली जर्मन शेफर्ड, एंड ब्लैक एंड वाइट जो ट्राई कलर में है ये मेरी चीनो शिट्ज़ू फीमेल। कमेंट्स आते हैं भाई के पास कि आप अपने सारे डॉग्स दिखाओ एक साथ, तो ये देख सकते हैं, बट मेरा ब्रूनो मेरे भाई की तरफ रहता है, तो वो तो अभी मेरे पास अभी है नहीं, वो वहीं पे पीछे है, तो उसको आप पर्सनली देख लिया कीजिए, उसको भी कभी साथ में एक वीडियो अपडेट कर दूंगा इनके साथ, ये देख सकते हैं कैसे रहते हैं, एकदम गुट गुट लगा के रखा है पूरा, तो ऐसे ही रहते हैं फाइनली सारे डॉग्स। अब गर्मी आ गई है तो ये मेरे पास नीचे ही रहेंगे, छत पे नहीं, ठंडी के टाइम पे इनको ऊपर छोड़ देता हूँ, और गर्मी में इनकी कटिंग करने के बाद ये घर में रहते हैं नीचे। अभी इनका ऊपर फ्लोर भी बना रहा हूँ, घर या घर ही कहूँगा, क्योंकि कैनल या केज ये सब तो मैं बनाता नहीं, पूरा रूम सेट ही बनेगा इनका, जैसा मेरा ये नीचे है इसी टाइप का इनका ऊपर भी रहेगा, जिसमें मैं खुद भी रहूँगा, मैं मतलब मैं अपने लिए ही, और ये सेम ही रहता है मेरा और डॉग्स का, सबका सेम ही रहता है, ये नहीं कि डॉग्स का अलग से बना दिया है कुछ अलग तरीके का कुछ, नहीं, जैसा मेरा अपना खुद मैं जैसे रहता हूँ वह उसी में मेरे डॉग्स भी रहते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से फिर सफाई भी उसी तरीके का रहता है, मैं खुद रहूँगा तो सफाई भी मेरे तरीके का ही रहेगा, अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन, और इनका प्रॉपर इनका जो होता है अलग ही करते हैं, जो बाथरूम पोटी करते हैं तो अब ये ऊपर ही छत पे चले जाते हैं, घर में कोई सा नहीं करेगा, तो दिखा देता हूँ, और काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं है कि इनको प्रॉब्लम होती है रहने में, ये देख सकते हैं टफी भी आपको दिखाता हूँ, देखो वो गेट पे बैठी हुई है, बस इसका काम है गेट खुलना और बाहर भाग जाना, इसकी मैंने कटिंग कर दी है, ये देख सकते हैं इसका काम है सिर्फ गेट खुलना और भाग जाना, ठीक है। ये देखो गेट पे बैठी है चौकीदारी करके, ये देखिए मैंने, जब ये मेरे पास नीचे रहते हैं तो मैं अंदर से कुंदी लगा के रखता हूँ, ताकि कोई बाहर से आए तो और गेट ओपन ना करे, नहीं तो सारे चले जाएंगे बाहर। ये मेरी चार्ली, आ जाओ बच्चों अंदर आ जाओ, ऐसे नहीं, ऊपर ये पंखा चल ही रहा है, नहीं यहाँ पे इनको, यहाँ अगर ठंडे में बैठना है तो यहाँ पे बैठेंगे, और ये दिखाता हूँ अपनी फिशेज दिखाता हूँ, ये देखिए ये मेरी फिश हैं, ऑस्कर पैरट, ये हार्ड फिश होती है, और ये काफ़ी मेरी छोटी छोटी लेके आया था मैं, इतनी इतनी से अभी तो काफ़ी बड़ी हो गई हैं। एक पिराना भी होती है, वो कम से कम मेरी काफ़ी बड़ी है, मतलब एक फिट से थोड़ी छोटी होगी, वो मैंने अपने नीचे अंडरग्राउंड टैंक में डाली हुई है, ये देख सकते हैं मेरा फिश टैंक। हाँ भाई चार्ली,
इनको अगर यहाँ बैठना है तो पंखे में बैठेंगे, जहाँ मर्जी वहाँ बैठ जाएंगे, घर में ऐसा कोई प्रॉपर फिक्स। ये देखिए ये छोटी यहाँ बैठी हुई है, छोटी इसकी मदर वही है जो गेट पे बैठी हुई थी, और जो इसका फादर था वो था एक शिटजू, जो मैं बाहर से मीट करा के लेके आया था शुरू में, और उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ ये एक ही फीमेल पप्स हुआ था उसका, तो ये उसी की बेटी है मेरे पास छोटी। आप कहते हो ना शिटजू और लासा का जो क्या निकलता है, ये देख सकते हैं इसके ईयर्स और हेड साइज ना बड़ा है दूसरे डॉग से, ये जो हेड साइज है इसका बड़ा है, और जो ईयर्स में जो इसका फर भी आता है ना ये भी काफ़ी ब्रॉड आता है, बड़ा आता है। बैठ जा बेटा बैठ जा, अभी कटिंग करा दिए मस्त हो गए अभी। और अगर आपको कोई गर्मी में डॉग्स के कारण प्रॉब्लम भी होती है, देखिए आप हरदम यहाँ से ये बाल काट दीजिए, पूरा प्लेन कर दीजिए, ताकि अपना ये फर्श पे बैठे तो उनको पूरा अंदर ठंडक मिल सके। चार्ली बेटा कम दिस साइड, कम चार्ली, कम कम कम, गुड गर्ल, सिट डाउन सिट। ये भी देखिए ये भी मेरी चार्ली कंसीव है, सिट डाउन बेटा सिट, टेक डाउन डाउन, गुड गर्ल। ये देख सकते हैं कितनी हैवी हो रही है, मस्त हो रही है, एकदम मक्खन मलाई हो रही है, बिल्कुल खा खा गया सब। आज इसकी मैंने पूरी ड्राई क्लीनिंग करी थी आज, पूरा ब्लोर मारा था पूरा बहुत सारा है। स्लो बेटा स्लो, ये देखो कैसे लड़ाई कर रहे हैं, स्टॉप मारो, मारूंगा थप्पड़। बैठ जा बेटा, लेट जा लेट जा लेट जा बेटा। अभी इसको हो गए हैं मेरी चार्ली को 43 डेज कंसीव हुए, और ये तो इसका काफ़ी हो रहा है, बट अभी देख के आगे चल के कंसीव होती है नहीं होती है अभी फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकता आइडिया, बट अभी पहले से काफ़ी हेल्थी हो गई है। चलो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, अगर किसी भाई को कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, सपोर्ट करें भाई के चैनल को, और कुछ भी इशू हो तो आप बता सकते हैं।